हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं फिर से। और आज हम एक बटन ऐसा बनाएंगे जहां से हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो कि किसी एक फॉर्म में बने हुए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाए, यानी कि वहां पर हम क्लिक करें और वो सारी डिटेल हमें दिख जाए जिसके लिए वो बटन क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ऐसा एक हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखिए, यहां पर मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पे ओपन फॉर्म का एक बटन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं एक नया फॉर्म खुल गया है जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब ये स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, लाइक देखिए यहां पे क्लिक किया तो यहां पर ये स्टूडेंट की डिटेल आ जा रही है। इस तरह का कुछ अगर आपको बनाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे बनाना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहां पर टेबल बना लेता हूं मैं, तो ये टेबल पे चलेंगे और इस टेबल को मैं नाम दे देता हूं स्टूडेंट टेबल। तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट टी, यानी टेबल टी टेबल। ठीक है, अब यहां पर आईडी आ रही है, यहां पर मैं कर देता हूं रोल नंबर, तो ये रोल नंबर इस तरीके से कर देंगे हम और रोल नंबर को रखेंगे ऑटो नंबर। यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा तो यहां पर लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया हमने और फिर यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। यहां पर आएंगे तो यहां पर कुछ मार्क्स वगैरह ऐड कराना चाहते हैं तो वो ऐड करा सकते हैं, या स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल कुछ है लाइक फादर्स नेम है तो यहां पे फादर्स नेम वगैरह भी आप ऐड करवा सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने फादर्स नेम, तो स्टूडेंट का फादर्स नेम यहां पे आ जाएगा। फिर यहां पे कर देता हूं मदर्स नेम, ये इस तरीके से शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। यहां पे सिटी कर देता हूं एट लास्ट सिटी। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब बस हमें यहां पर क्लिक करना है व्यू पे और यहां पर कुछ रिकॉर्ड्स हमें एंटर करवा लेने हैं रिलेटेड टू फील्ड्स, जो फील्ड नेम दिया है उसके हिसाब से कुछ रिकॉर्ड्स भी हमें एंटर करवाने होंगे तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। तो यहां से इसको ड्रैग करके बढ़ा देता हूं, ये भी थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं और यहां से भी इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहां पे स्टूडेंट का नेम ऐड करवाना है तो यहां पे मैं कर देता हूं राज। ठीक है, यहां पे फादर्स नेम कर देता हूं गीत लिख दिया हमने और यहां पर सेम कर देता हूं शैलेश कुमार और यहां पे कर देता हूं लाइक उर्मिला यादव। ठीक है, ये कर दिया हमने और यहां पर एड्रेस देवरिया का ही रहेगा। इसी तरह से आगे भी और कर सकते हैं, लाइक को पेस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा और ये आई भी आ गया है साथ में, इसको हटाना पड़ेगा। यहां पे तिवारी कर देता हूं तो ये हो गया। तो अब ये कुछ रिकॉर्ड्स हमने एंटर करवा लिए हैं, अब इसको क्लोज करते हैं सेव करके। तो ये सेव कर लिया हमने, स्टूडेंट टी के नाम से ही सेव है ये, तो स्टूडेंट टी के नाम से एक टेबल बना लिया। अब इसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करना है हमें, तो चलते हैं कहां फॉर्म डिजाइन पर। तो ये फॉर्म डिजाइन पे आ गया और यहां से हमें कहां ये जो एड एग्जिस्टिंग फील्ड दिखाई पड़ रहा है यहां पर, और यहां पर वो चीजें ऐड करवानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और सिटी है, ये सारी चीजें ऐड करवा लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा साइज की हमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लीजिए, यहां से जाकर के आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आपको इसकी छूट मिल जाती है इसमें। तो ये बैकग्राउंड चेंज कर लिया और ये पूरा डेटा जो है एक पर्टिकुलर कलर इसको प्रोवाइड कर देंगे हम यहाँ से, तो ये पर्टिकुलर एक कलर मैं दे देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा ये व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आप इस पे बटन्स भी लगा सकते हैं चाहे तो, इसको एक नाम दे देना है हमें, तो चूंकि ये स्टूडेंट का डिटेल है तो स्टूडेंट एफ कर देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट एफ के नाम से ये सेव हो गया। ओके, आप चाहे तो इसमें नीचे बटन्स भी बना सकते हैं, बटन बनाने के लिए आपको यहाँ से बटन पे जाना है और यहाँ पे ड्रैग करवा देंगे तो ये बटन बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, ऐड करवाना है न्यू रिकॉर्ड, डिलीट करना है, क्या करना है, सेव करना है तो सेव, नेक्स्ट प्रीवियस जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बना देता हूँ देखने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूं मैं और यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन ये बन गया। अब इस बटन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके होम पे जाके और यहाँ से आप कलर वगैरह भी बदल सकते हैं इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये जो कलर आ रहा है इसके साथ कोई सही कलर चूज कर देते हैं यहाँ पे, ये आई होप कि सही रहेगा। और यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर देंगे ये जो टेक्स्ट है, तो यहाँ से बोल्ड भी कर देते हैं। तो अब ये देखिए, एक बटन भी क्रिएट कर दिया हमने और अब इस पर क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो दूसरा रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह से आता है चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लेता हूं। अब सेव करने के बाद क्या करना है, क्रिएट पे वापस चलना है। ठीक है,
क्रिएट पर जाने के बाद कहां जाना है, फिर वापस चलना है कहां, फॉर्म डिजाइन पर, या ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्म डिजाइन पे चलते हैं। ये आ गए हम फॉर्म डिजाइन पर। अब यहां पर एक तो बड़ा सा बटन हम बनाते हैं, ये देखिए बड़ा वाला ये बटन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बटन किस तरह से काम करेगा, तो ये फॉर्म ऑपरेशन पे चलना है और ये ओपन फॉर्म दिख रहा है, यहां पे करना है क्लिक और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा स्टूडेंट ऐप, यही हमारा फॉर्म था, इसी को हम ओपन करना चाहते हैं कि यहां पर ये हमें दिखे और इसे हम ओपन करें। तो आपको कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाला नहीं क्लिक करना है, ऊपर वाले के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यहां पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, ओपन द फॉर्म एंड शो ऑल द रिकॉर्ड्स, और यहां पे क्लिक कीजिए और फिर ये टेक्स्ट रखूंगा मैं, इसे पिक्चर नहीं रखता, ठीक है। और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको ओपन फॉर्म का बटन यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा, बोल्ड और इसमें और भी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं यहां पे। तो ये मैंने बोल्ड कर दिया और यहां से इसे कलर चेंज कर देता हूं, और ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसे भी मैं बदल देता हूं, लाइक ये कलर सही रहेगा। और यहां पर इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं यहां पर जाकर के, और यहां पे जो भी साइज आपको देनी हो यहां पे दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको कुछ नहीं करना, इसको सेव कर लेना है। तो ये सेव कर लेता हूं, तो स्टूडेंट एफ के नाम से सेव करता हूं, स्टूडेंट का फॉर्म है तो यहां स्टूडेंट एफ FF कर देता हूं, ठीक है। ओपन फॉर्म दिया हुआ है यहां पे, तो यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये अभी पहले यहां से इस पे क्लिक कर दिया मैंने, अब देखिए ये ऐसे आ रहा है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया, ये स्टूडेंट वाला फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। तो एक तरह से आपने ये एक ओपन फॉर्म का बटन बना दिया कि कैसे हम कुछ भी, जैसे ये तो एक फॉर्म की बात है, अगर कोई और भी फॉर्म हम डिजाइन कर देते हैं इसमें, लाइक पहले टेबल डिजाइन करता हूं यहां से चल के, ये देखिए यहां पे गए और इसको टेबल टू नाम देते हैं, ठीक है। और यहां पर आईडी है, ठीक है, और आईडी के बाद यहां पे कोर्स दे देते हैं, कोर्स कोड, सी ओ यू आर एस ई, कोर्स कोड। तो ये कोर्स कोड लिख दिया हमने और यहां पर कोर्स कोड आएगा, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं कोर्स नेम, सी ओ यू आर एस ई, कोर्स नेम। तो ये कोर्स नेम कर दिया हमने, और कोर्स नेम करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 112, और इसे कर देता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये लिख दिया हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। थर्ड पे आते हैं 113 करते हैं, और अब इसको सेव कर लेते हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये हो गया। तो ये टेबल टू के नाम से इसे हमने बना लिया, ठीक है। अब टेबल टू बनाने के बाद इसके लिए हमें फॉर्म डिजाइन करना है, तो इसके लिए फॉर्म डिजाइन करने के लिए कहां जाएंगे, फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, और फॉर्म डिजाइन में जाने के बाद अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टेबल टू के लिए फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। अब इसमें चाहिए क्या क्या, आईडी चाहिए, कोर्स कोड चाहिए, कोर्स नेम चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों ले लिया हमने, ठीक है। प्रॉपर्टी शीट को भी ओपन रखते हैं, और अब इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां से छोटा कर लेता हूं, इतने बड़े की जरूरत नहीं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं बोल्ड, यहां से फॉर्म पे जाके और इसे बोल्ड बना देंगे, और यहां कलर इसका चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद बैकग्राउंड भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया हमने। अब इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इस फॉर्म को नाम दे देते हैं हम कोर्स एफ, सी ओ यू आर होगा, यू आर एस ई, कोर्स एफ, ठीक है। तो ये कोर्स का फॉर्म बना दिया हमने। अब फिर क्या करना है, एक नया फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यहां चलते हैं फॉर्म, यहां से हम कुछ ऐसी सेटिंग चाहते हैं कि यहां पे अगर मैं इसको बनाता हूं, ये देखिए, तो ये फॉर्म ऑपरेशन पे गए। अब ओपन फॉर्म, अब कौन सा फॉर्म हमें ओपन करना है ये चीज बताएं। यहां से टेक्स्ट कर दीजिए और यहां से यस करके, और यहां पे आप बटन वगैरह का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहां पर जाकर के, और इसकी साइज वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं। यहां से जाकर के इसको बोल्ड कर लीजिए और यहां से कलर चेंज कर दीजिए, और यहां से साइज वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहां पर जाकर के और साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये ओपन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्लिक कर देता हूं, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा कहां आ जाएंगे, कोर्स वाले पे, देख सकते हैं ये कोर्स वाले पे आ गए हम। इसी तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है और आसानी से हो भी जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी